नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अपना जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने आधार कार्ड के माध्यम से ही जो है अपना आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी इसे बना सकते हैं। आपको बनाने के लिए मैं पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, देख सकते हैं mpdistrict.gov.in, जो कि MP डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है। इस पर आ जाना है, कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ पर जब हम आय प्रमाण पत्र प्रदाय करने पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है आवश्यक दस्तावेज, जो स्वयं का घोषणा पत्र होता है, यह आपको लगता है। यदि आप जो है लोक सेवा केंद्र या MP ऑनलाइन से इसे बनवाते हैं, तो आपको यह पत्र 100 घोषणा पत्र लगेगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके इसे भरना होगा, इसमें दस्तखत करना होगा, घोषणा करना होगा आय की, उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन आप यदि आपके आधार कार्ड से बनाना चाहते हैं, आधार कार्ड से जो है आप ऑनलाइन जो है इसका घोषणा करना चाहते हैं बिना कोई प्रमाण पत्र के, तो आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे करने के लिए आपके पास लोक सेवा केंद्र है, MP ऑनलाइन है, CSC है, और ऑनलाइन आवेदन आप खुद भी मोबाइल से कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, यदि आप लोक सेवा केंद्र से आवेदन करते हैं तो ₹40 लगता है, और MP ऑनलाइन से भी 40, CSC से भी आपको ₹40 लगेगा शुल्क। यदि आप ऑनलाइन खुद ही अपने मोबाइल से करते हैं, आप खुद ही करते हैं पोर्टल से, तो आपको जो है निःशुल्क आवेदन आपका होगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और इसका में यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 3 दिन का आपका टाइम लगेगा निराकरण में। यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो भी 3 दिन का आपको टाइम लगेगा, या 3 दिन से पहले ही आपका जो है बन सकता है। जैसे आप आज अप्लाई करते हैं, तो अगले जो 3 वर्किंग डेज रहेंगे, जो छुट्टियां रहती है उसको छोड़ करके, तो उन दिनों जो है आपका यहाँ पर देखा जाएगा। सब कुछ सही जानकारी आप भरते हैं तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका आय प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो आपका मान्य रहेगा। यदि जो है वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट का कारण आएगा, आप जो है उस कारण, क्या कारण रिजेक्ट हुआ है, तो उसे सुधार करके आप भरिएगा, तो आपका फिर से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपनी यहाँ पर एक आईडी बना लेना होगा। आईडी बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो है सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक चीज़ें आपको लगेगी, उससे आप अपनी आईडी पासवर्ड बना लीजिए, फोटो भी प्रोफाइल बना लीजिए अपनी। उसे बनाने के लिए क्या करना होगा, नागरिक पंजीयन पर ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है आपको आपका नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर, अपना एक पासवर्ड बना लेना है, ईमेल और मेल फीमेल या अदर सेलेक्ट करके, मोबाइल नंबर को जो है और ईमेल को वेरीफाई करना है, यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर देना है आपकी। इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप जो है लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या जो आपने यूजर आईडी बनाई है या ईमेल, इसे एंटर कीजिए, पासवर्ड जो आपने बनाया वो, और जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है उसे कोड को यहाँ पर एंटर करके, और यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप जो है जब देखोगे तो कहीं ना कहीं आप सेवाओं पर आ जाओगे। जब सेवाओं पर आओगे आप, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब क्या क्या देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको यहाँ पर स्थायी निवासी, आय प्रमाण पत्र, तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, इसलिए आय प्रमाण पत्र पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म भरे पर आपको क्लिक करना रहेगा, आवेदन करे पर। जैसे ही आप आवेदन करे पर क्लिक करते हैं, तो आपको हितग्राही का आधार नंबर एंटर करना होगा, नाम एंटर करना होगा, और मूल निवास का पता एंटर करना होगा। साथ ही साथ में आपको यदि आपने पूर्व में कोई आधार बनवाया है तो हाँ या नहीं आपको बताना होगा। यदि बनवाया है तो उसकी जानकारी देना होगा, यदि नहीं बनवाया है तो आप नहीं सिम पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप गरीब रेखा के नीचे हैं या जो है किस कैटेगरी में आते हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आवेदक का प्रकार, यदि आप गरीब रेखा के नीचे हैं तो आपको ₹0 फीस लगेगी, और सभी वर्गों के लिए निःशुल्क है ये। यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से हैं, ₹10, सामान्य वर्ग से ₹20, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप सभी वर्गों पे के लिए निःशुल्क सेवा पे क्लिक कर सकते हैं आवेदक का प्रकार, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसी के साथ में जो है आप जो स्वयं का घोषणा है, यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको स्वयं के घोषणा में जो है आपका आधार से ऑटोमेटिक सत्यापित हो जाएगा, आपको अपनी आय का विवरण भर देना है। तो इस तरह से जो है जब आप सबमिट करोगे तो आपका आवेदन यहाँ पे हो जाएगा, और फिर आपके मोबाइल नंबर पे आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा,
उसे आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि उसी एप्लीकेशन नंबर की सहायता से ही आप जो है आगे अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना आय प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति जो कि आपको ऊपर साइड राइट पे दिखाई दे रही है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वही जो पंजीयन क्रमांक रहेगा आपका, वो यहाँ एंटर करना होगा, या मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं, और फिर कैप्चा कोड एंटर करके खोजे पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप अपना आय प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से ऑनलाइन बना सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से मूल निवासी की भी प्रक्रिया रहती है और अन्य जो प्रमाण पत्र रहते हैं, यदि आप स्वयं आवेदन करना जानते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना आय प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। मित्रों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे ये करना है। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।